उसकी वजू की दुआ करूँ। बिस्मिल्लाह। उसके बाद हम मेरा अगर वो टूटी है जैसे हम लोटे से प्रैक्टिस करें तो उल्टे हाथ से पानी हमने उल्टे हाथ से आप लोटा उठाओ अपना उल्टे हाथ से आपने लोटा उठाना उल्टे हाथ से क्या बात ज़्यादा ऊपर नहीं उठाएं नीचे रखें आसानी हो क्या करना है ऐसे पानी डालेंगे अपने सीधे हाथ पानी डालो क्या भाई सीधे हाथ में और फिर आसपा हम ऐसे हम जो धोएंगे सबसे पहले हम हाथ धोएंगे अपनी उंगलियों के अंदर ऐसे घुसाएंगे अच्छे से हमने तसल्ली करनी है कि हमारा हाथ अच्छे से धुल जाए। समझ आ रही है बेटा आपको समझ आ रही है तो इसी तरह हमने अपना हाथ धो ले। उसके बाद हम तीन दफ़ा कुल्ली करेंगे ऐसे पानी डालेंगे और मुँह में ऐसे हम तीन दफ़ा कुल्ली करेंगे अपनी ये जो शहादत वाली उंगली है पहले हम सीधी साइड पे फिर हम उल्टी साइड पे समझ आ रही है और कुल्ली ऐसे करने का उसके बाद हमने क्या करना है जी पानी लेना है और अपने नाक में डालना है ऐसे पानी डाल के हमने उल्टे हाथ की छोटी उंगली उल्टे हाथ की छोटी उंगली से हमने अपने नाक को अच्छे से साफ करना है ऐसे नाक को अच्छे से साफ करना तीन दफा में ऐसे करूँगा ठीक है। उसके बाद हम फिर कोशिश करेंगे पानी ऐसे लेंगे दोनों हाथ मिलाएंगे दोनों हाथ मिला के हम अपना चेहरा धोएंगे और ये ख्याल रखना है जोर से छींटा नहीं मारेंगे ताकि दूसरों के ऊपर छींटे नहीं पड़े बिल्कुल आराम से अपना हम चेहरा धोएंगे एक दफ़ा फिर आराम से बेटा बिल्कुल आराम से ऐसे पानी लगा दो दफ़ा और इसी तरह फिर तीन दफ़ा क्या करना ये इधर मेरी तरफ देखो मेरी तरफ देखो ये हमारी सारी चीज़ जो है वो धुलनी चाहिए ठीक है ऐसे हो गया ये हमारा तीन दफ़ा चेहरा धुल गया ठीक है। अगर जो कोई बड़ा है तो जैसे मेरी गाड़ी है गाड़ी का हम ऐसे पानी लेंगे ऐसे ऐसे हम खलाल कर इसको बोलते हैं खलाल करना क्या कहते हैं खलाल करना ये वाला हो गया दाढ़ी में। अब उसके बाद हम अपना सीधा बाजू धोएंगे ऐसे पानी लेके ऐसे एक हाथ के साथ इसको ऐसे मलेंगे और ये आपने याद रखना है ये जो आपकी कोनी से ऊपर ये धुलना चाहिए और एक बाल भी खुश्क नहीं होना चाहिए ये हो गया। फिर इसी तरह हम दूसरा बाजू धोएंगे समझ आ रही है बेटा हाँ ये हमारे दोनों बाजू धुल गए। अब क्या करेंगे हम मसा मसे के लिए हमने ताज़ा पानी लेना यानी कि जो पहले हम हाथ में ले लें वो नहीं टूटी है लोटा है जो भी नहीं से और ये तीनों उंगलियां ऐसे मिलाएं लास्ट वाली तीनों उंगलियां ये तीनों उंगलियां मिला के हम इसको ऐसे फेर के पीछे ले लेंगे अपने सर पे ऐसे करो शाह भाई पीछे ले जाएंगे बिल्कुल नीचे कर देना। अब वापसी में क्या करना ये वाली में तली जो है ना ये जो हमारी तली है तलिया ये हम ऐसे पीछे इसके साथ साथ ले जाएंगे पीछे से ऐसे ये हमारा अब ये हमारा हाथ मुकम्मल हो गया। अब रह गई ये शहादत वाली उंगली और अंगूठा शहादत वाली उंगली दोनों जैसे हम कान में ऐसे बैठे जैसे कान का रास्ता बना हुआ है सेम वैसे अंदर से शुरू कर दो उसका रास्ता और उसके बाद ये हमारे अंगूठे में कितना कानों के पीछे से ऐसे कर दें कानों के पीछे से ऐसे कर दें। अब उल्टी साइड बच गई उल्टी साइड जो है वो हम अपनी गर्दन पे उठी बैठे ऐसे ये क्या होता है मसा करना ये क्या होता है मसा करना। अब हमारा मसा पूरा ठीक है। अब हम पाँव धोएंगे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे सीधा पहुँचाया पानी आप सीधे हाथ में ठीक है और क्या करेंगे ऐसे धो के ऐसे धो और जो सुन्नत तरीका है वो ये कि छोटी उंगली है उंगलियों का हमने खलाल करना है उंगलियों का हमने खलाल करना है ऐसे ठीक है पूरी तसल्ली से टुकड़ों तक देना और ख़ास करके एंड ठीक हो गया जी यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद हम उल्टा पाँव धोएंगे उल्टा पाँव हम धोएंगे ठीक है उसका भी ऐसे ही है वही तरीका सेम हम ऐसे इसको धोएंगे और छोटी उंगली से उल्टे पाँव की जो छोटी उंगली है उसे हम खलाल करेंगे
ताकि अंदर कोई जगह खुश्क ना रहे। तो ये भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, ये है हमारा वजू का प्रॉपर तरीका, समझ आ गई। इसमें बेटा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सुभानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तेरी जात पाक है, अभी हम दी का खूबियों वाली, व तबारक अस्मु का, और तेरा नाम बरकत वाला है, अताला जद्दू का, और तेरी शान ऊंची है, वला इलाहा गैरु, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मर्दूद से, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत का दिन का मालिक है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना के उन लोगों का रास्ता जो तेरे गजब का शिकार हुए और ना गुमराहों का, आमीन। इलाही कबूल फरमा, कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, तो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है, व लम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं, अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सुभान रब्बी पाक है मेरा परवरदिगार अज़मत वाला, सुभान रब्बी अलअज़ीम, पाक है मेरा परवरदिगार अज़मत वाला, सुभान रब्बी अलअज़ीम, पाक है मेरा परवरदिगार अज़मत वाला, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने उस बंदे की बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ की, रब्बना लकल हम्द, हर तरह की तारीफें अल्लाह के लिए है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सुभान रब्बी अलआला, पाक है मेरा परवरदिगार आलीशान, सुभान रब्बी अलआला, पाक है मेरा परवरदिगार आलीशान, सुभान रब्बी अलआला, पाक है मेरा परवरदिगार आलीशान, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सुभान रब्बी अलआला, पाक है मेरा परवरदिगार आलीशान, सुभान रब्बी अलआला, पाक है मेरा परवरदिगार आलीशान, सुभान रब्बी अलआला, पाक है मेरा परवरदिगार आलीशान, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, التحيات لله والصلوات والطيبات تمام تمام کولی پہلی مالی بدنی زبانی باتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں السلام علیکم ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام ہو اللہ کے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدن عبدہ ورسولہ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। ऐ अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस तरह तूने रहमत नाज़िल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, बेशक तू तारीफ किया गया बुजुर्ग है। मुबारक अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। ऐ अल्लाह बरकत नाज़िल फरमा हज़रत